अब देख सकते हैं हमारे सामने ये सेटअप खड़ी हुई जो कुछ ही मिनटों में निकलने वाले, तो इसकी क्या रेट होगी लगभग प्राइस, जैसे लोग जानना चाहे तो? इसकी ये सेटअप जो है ना जनरेटर में चल रही थी, इसका समथिंग स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए धमाकेदार वीडियो में। हमारे सामने एक सेटअप रखा हुआ है जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, तो इस सेटअप की साउंड चेक देखेंगे, तो चलिए चलते हैं। सब देख सकते हैं हमारे सामने ये सेटअप खड़ी हुई जो कुछ ही मिनटों में निकलने वाले, तो संजू भाई हमें बताने वाले हैं इस डीजे के बारे में पूरा, तो बताएंगे भाई। इसमें अभी माता परमेश्वरी विसर्जन में जा रहे हैं देवांगन समाज का, और अपन जो सेटअप है 8 बेस का सेटअप है, 4 टॉप लगा है और 4 लाइनरी लगा है, और क्या बोलते हैं 16 सारथी लगा है, 4 सिक्स हैंड लगा है, 2 लेजर लगा है, एक 10 वाट का एक 3 वाट का लेजर लगा हुआ है, और फॉग मशीन लगा है, और छोटा सेट है गोपाल दिया का सपूत का है ये, और यही हमारा किंग है माँ शीतला डीजे का। डीजे संजू से हम इस सेटअप के बारे में बात करने वाले, तो चलिए गाड़ी के ऊपर चलते हैं। हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो संजू भाई ये जनरेटर कितने केवी का? ये 20-20 केवी का है। इधर कंसोल में क्या क्या है अपने पास? अपना मिक्सर लगा हुआ है। थोड़ा नीचे देख लेते हैं, आप कंसोल का सिस्टम देख ही रहे, मशीन लगा है, 5-5 मशीन लगा है, 2 एम्पलीफायर लगा है। आप लोगों को और कितना टाइम लगने वाला है? तो आधा से एक घंटे के अंदर निकल जाएगी, और समथिंग 3 बजे के करीब रैली निकल जाएगा। साउंड चेक हो गया फिलहाल? हाँ साउंड चेक हो गया है, एक घंटे से साउंड चेक कर रहा था, आप नहीं आए। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे लिए फिर से एक बार साउंड चेक किया जाएगा। वीटू भाई नाराज लग रहे हैं, इनसे थोड़ी हाल चाल पूछ लेते हैं। भाई नहाए वहाए हो कि नहीं? अरे नहीं भैया, कल से तैयारी कर रहे थे अपन, तो नहाना धोना तभी नहीं हो पाएगा, आधा एक घंटा बाद हम लोग को टाइम मिलेगा कि नहाने धोने का, उसके बाद फिर मिलते हैं फिर सेटअप के साथ वहीं। चलिए नीचे चलते हैं, जब तक इनके वायरिंग का काम कंप्लीट ना हो जाए हम डीजे संजू से थोड़ी बातें करते हैं। आज इस सेटअप को कौन ऑपरेट करने वाला है? ऑपरेटर अजय पटेल भाई रहेगा और मैं रहूंगा स्वयं, और लाइट में ऑपरेटिंग वीटू प्रोफेशनल के नाम से, गाइज आप लोग जानते ही हैं। इस सेटअप की प्राइस कितनी हो सकती है? इसकी ये सेटअप जो है ना जनरेटर में चल रही थी, इसका समथिंग 60,000 से 70,000 के बीच में, मतलब सेटअप 12 बेस हो जाता तो इसकी प्राइस और बढ़ जाती है। बढ़ जाता है इसका और। इतने बड़े सेटअप को सिटी या मार्केट के अंदर ले जाने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? पूरा सेटअप जो है ना शहर के अंदर जाता है और गांव के अंदर भी, तो जितना बड़ा सेटअप रहता है मतलब दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रैफिक का शहर में ज़्यादा दिक्कत रहता है, और गाँव में तो गली छोटा छोटा रहता है, और इधर उधर घर ये सब मकान रहता है ना, तो दिक्कत ज़्यादा होती है, और शहर में तार का भी दिक्कत होगा, और अपन मेली में तो गोल बाजार है ना, वो थोड़ा छोटा है जगह, बहुत ज़्यादा साल्टेज है, तो उसमें इतना बड़ा सेटअप तो रेडी किया है, बट जाएगा कैसे ये थोड़ा सोच में है। आज दिक्कतों का सामना करते हुए सबको इंजॉय करवाना है, इंजॉय करवाना है, मिलते हैं फिर देवांगन समाज माता परमेश्वरी का भव्य रैली जो है विसर्जन माता रानी का। साउंड चेक बलानी चौक के पास किया जाएगा, तो हम भी इनके साथ चलते हैं। पहले हम गाड़ी व जनरेटर में डीजल डलवा लेते हैं। रास्ते में हमने दोनों जनरेटर व गाड़ियों में तो डीजल डलवा ली, साथ ही हमने डिब्बों में भी कुछ डीजल रख लिए। हम बलानी चौक पहुंच चुके हैं और डीजे संजू अपने साउंड चेक की तैयारी में लग गए हैं।
हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि रैली जो है वो निकल चुकी है। आज मुंगेली वालों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है कि दो शानदार ऑपरेटर एक साथ डीजे को ऑपरेट करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लगता है इनके वायरिंग का काम अभी भी बाकी है तो इन्हें अपना काम और तेज करना पड़ेगा। डीजे अजय भी आने वाले हैं इनकी हेल्प करने के लिए, तो चलिए यार थोड़ी आगे देख लेते हैं। अब जनरेटर को स्टार्ट किया जा रहा है, दूसरा जनरेटर भी स्टार्ट कर लिया गया है। दोनों जनरेटर स्टार्ट हो जाने के बाद डीजे संजू भी धूम मचाने के लिए रेडी हो गए हैं। इस रैली में एक धुमाल वाल हमारे डीजे को लगाया गया है। भाई यार पूरा चौंक ही गया, मजा ही आ गया। के बराबर कोई